जस्ट सेव्ड बाय इंचेस, जस्ट सेव्ड बाय इंचेस। देखो यार, और कुछ होना हो पर बाइकिंग में जो जाम को बीट करने का वो चीज है ना, वो वाली भाई, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो द फीलिंग ऑफ फॉल्स स्टार्ट इज ऑलवेज गुड। डे 3 आज करते हैं कोल्ड स्टार्ट, इजी पीजी। ओके सो Now it's time to say bye bye to Manali। अभी मॉल रोड से, कल हमने मॉल रोड के नीचे रूम लिया था, आज हमने मॉल रोड से ऊपर आके रूम ले लिया। प्लानिंग किलोंग में रूम लेने की, वो ले ही नहीं पाए थे, बट ठीक है, अपनी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप को अब यहीं पे कर देते हैं एंड। और वैसे भी 3 ही दिन की बनाई थी यार, उससे ज़्यादा का हमने सोचा भी नहीं था, कर देते हैं यार अब। निकल लिए हैं यार, टाइम हो रहा है 11:50। और ठीक है यार, कल रात की थकान उतर गई, बहुत थकान थी कल, सच में अलग ही लेवल की हो रखी थी। मेन चीज़ तो ये, थकान उतर गई, अब आराम से घर पहुंचेंगे। अभी देखना ये है कि रात को रोहतक जाऊंगा या चंडीगढ़ रुकूंगा। टाइम से पहुंच गए तो मेरा मन है कि मैं रोहतक ही चला जाऊँ सीधा, बाकी लेट्स सी। तो भाई ये है आज की फर्स्ट मील, फाइनली रुके हैं। मैंने क्रिश को बहुत देर से बोला था भाई रुक जा, अब जाके से रुकवाया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में था ये रेस्टोरेंट, तो फाइनली अब जाके रुके हैं। सही है, खाना वाना यहाँ पे रुके हैं, बस खा पी के। और ये पीछे, बिल्कुल पीछे बाइक खड़ी है, यहाँ हम खा रहे हैं और यहाँ बाइक खड़ी है, खा पी के निकलते हैं। लस्सी बढ़िया है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द लंच एंड वी एक एक लस्सी और पी रहे थे, एक साथ में पी लिए एक और बाद में, क्योंकि बढ़िया लगी थी, मजे आ रहे हैं। अब सीधा खींचेंगे चंडीगढ़। अंदर डल जाएगी थोड़ी सी, नहीं नहीं अंदर डाल के छोड़ दो, बस छोड़ दो। अगर ऊपर निकल गई फिर, अरे यार कैसे नहीं आएगा, ऑटो कट नहीं है क्या? ऑटो कट है ना, लगेगा ना कटर। ये होगा ठीक है, छोड़ना एक बार, चलो कर दो। ठीक है। 564 डिवाइड बाय 0.31। My, finally the bike gave the mileage I wanted, 30 km/h, God। चलो ठीक है, पर कल का रास्ता ये था ना कि माउंटेन वाला था, कर्वी था और एक अच्छी स्पीड क्रूज हो पा रही थी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी यार। ऑलमोस्ट 30.6 की माइलेज दे दी यार बाइक ने, बहुत है, जो कि बहुत है एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरा ग्लाइडर है ऊपर भाई साहब, मेरे को लगा था एक आधे, जैसे हमने टर्न लिया इतने सारे एक साथ। भाई इनको देख के मन तो बहुत कर रहा है पर पूरा दिन लग जाएगा, तो अभी तो रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे पैराग्लाइडिंग भी। ओ हो, जस्ट सेव्ड बाय इंचेस, जस्ट सेव्ड बाय इंचेस। एकदम से पता ही नहीं चला कि इतना डीप गड्ढा आ गया और इतनी जगह बची नहीं थी कि कट मार लूं, वही हुआ फिर एकदम से पैनिक ब्रेकिंग। खैर, सो दिस इज द फर्स्ट टनल वापस जाते टाइम एंड अभी डिस्टेंस सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है यार। अभी हमने इन टोटल अपने होटल से लगभग 70 किलोमीटर्स कर लिए हैं और अभी लगभग 250 ज़्यादा बोल गया मैं, 180 किलोमीटर कुछ और जाना है कम से कम। अच्छा, ये फिर से कोई रास्ता आ गया भाई, यहाँ पे वो डैम वगैरह थी ना और लंबा जाम लग रहा था, तो ये डैम वाला रास्ता आ गया जो अलग किया था पहले से। देखो यार, और कुछ होना हो पर बाइकिंग में जो जाम को बीट करने का वो चीज़ है ना, वो वाली भाई, वो नेक्स्ट लेवल है भाई, वो अनबीटेबल चीज़ है मतलब।
यो क्या था, ये क्या था? ये ओ भाई, चलो कोई होगी होगी यार, छोड़, स्टार्ट नहीं हो रही होगी, होगा, चलो कोई बात नहीं, अंकल की हेल्प होगी। ओके ओके, कर दिया करो भाई हेल्प, किसी की हेल्प हो सके तो। तो यार सुंदर नगर भी क्रॉस हो चुका है एंड अभी टोटल मनाली से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड फाइनली जितना भी कच्चा और वो ख़राब रास्ता होता है ना वो निकल चुका है। अब जितना ही रास्ता बचा है वो थोड़े मतलब ये हल्के हल्के पहाड़ और बढ़िया चौड़े हाईवे वाला स्टार्ट हो चुका है। अब टनल्स वनल्स आएंगी और बस ये बचा हुआ रास्ता तो फटाफट ही हो जाएगा कवर। देखो यार जो भी कहो हुआ थोड़ा सा गलत हमारे साथ और खासकर मेरे साथ, क्योंकि इस ट्रिप पे आया था मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने और बर्फ में मजे लेने, क्योंकि प्रॉपर बर्फ में अभी तक मैं जा ही नहीं पाया हूँ, बिल्कुल प्रॉपर मस्त वाली। और बस बट ठीक है, दिल इतना उदास नहीं करते हैं और खुशी खुशी इस ट्रिप को एंड करते हैं। और कोई बात नहीं यार, दोबारा बनाएंगे ट्रिप। और देखो यार बात ऐसी है कि बाइक चलाने का मज़ा है ना अलग ही होता है, बेशक बर्फ ना मिली हो पर 3 दिन इतनी बाइक चलाई है ना, लगभग 1200-1300 किलोमीटर बाइक चला ली और अपनी नई बाइक को चलाने का मज़ा ही कुछ और है। इंजॉय किया, बर्फ ले लेंगे अगली राइड में। हाँ तो भाई दिस इज द लास्ट टनल, जो मनाली में जो टनल्स फेमस हो रखे हैं ना तो उसमें से लास्ट है वापस घर जाते हुए, क्योंकि ये टनल नंबर 1 है, इस पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से भी ये 1 है, वहाँ से भी ये 1 नंबर 1 ही है, यहाँ से नंबर 1 का मतलब है लास्ट। लंबी टनल थी ना ये, बोरी हो गए भाई इसमें से निकलते निकलते तो। और एकदम से फिर से ये पैनी पैनी धूप शुरू हो गई है। एंड दूसरी बात जो मैं बोल रहा था, बस ये लास्ट प्यारा प्यारा सा व्यू है यार, इतना मज़ा आ रहा है ना पहाड़ों में चलाने का, मतलब हद से ज़्यादा। कुछ तो नई बाइक और ऊपर से ये पहाड़, प्यार है यार पहाड़ प्यार। और अब बस ये थोड़े थोड़े रह गए हैं, ये मेरा प्यार थोड़ा थोड़ा रह गया, अब थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ दोबारा ट्रिप बनानी पड़ेगी बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नई बाइक आ गई, अब तो बेशक हर महीने 2 ट्रिप बनाऊंगा। चलो तो भाई चलो, अब अपन हो चुके हैं फिर से अकेले। ऑलराइट सो वंस अगेन वी आर ऑन एक्सप्रेसवे 152D और अब बस सीन ये है कि घर रह गए यहाँ से बस 130 कुछ किलोमीटर। हाँ तो भाई गेस कर लो, अगर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है तो फिर से क्या हुआ होगा मेरे साथ। बिल्कुल भाई वही जो तुम सोच रहे हो वही हुआ है, फिर से माइक खराब हो गया है। माइक खराब नहीं हुआ है, वो थोड़ी सी यू नो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम एंड तो भाई अभी यहाँ से बस कुछ ही घंटों का रास्ता रह गया, घंटों भी क्या मिनटों का, शायद 1 घंटा मैक्स में पहुँच जाऊँगा घर यहाँ से, बहुत थोड़ा सा रास्ता रह गया था एंड बहुत ईजीली पहुँच गया। और बढ़िया सी बाइक चलाते हुए, बाइक ने बहुत ज़्यादा साथ दिया अंधेरे में, बिल्कुल बढ़िया चली है एक्सप्रेस वे, बढ़िया एक अच्छी सी स्पीड मेंटेन करते हुए घर पहुंच गए थे। और बाकी यार रखते इस वीडियो को इतना ही, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अपनी इस मनाली ट्रिप को करते हैं यहीं पर एंड, 3 वीडियो में ज़्यादा नहीं है, 3 जाके देख लो अगर अभी तक देखी नहीं है तो। चलो बाय बाय।